हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जितना भी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को फैमिली लोग हैं, सभी को बहुत सा वेलकम और स्वागत करते हैं एक नए प्यारे। आज इस लेक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, आज हम लोग इस लेक्चर पे बात करेंगे क्या कि मैथ से 100 नंबर, मतलब 100 नंबर को कन्फर्म हम आप लोगों को, जिस 11 चैप्टर में आप लोगों को 3 से 4 चैप्टर पर बताएंगे और 4 चैप्टर से 100 नंबर से प्लस उसमें लड़ जाता है चारों चैप्टर। आज देखिए मैथ में 100 नंबर कवर कैसे करें अगर हमारा सिलेबस छूट गया, अगर कहने मतलब हमारा सिलेबस हम नहीं कुछ नहीं पढ़े, हम 6 महीना मात्र बचा है तो हम अपन 6 महीना में सिलेबस को कैसे कवर करें। हर नया जैसे हमारा कहने मतलब है कि हम 6 महीना नहीं पढ़े तो 6 महीना में हम कैसे कवर करेंगे। तो जो मेन मेन चैप्टर है ना जिससे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आता है, आज उसी के बात करने वाले। अगर 2025 में आप भी एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, इस वीडियो को गवाइएगा नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग के लिए मैथ के बारे में बोल रहे हैं इस लेक्चर में मैथ के केवल बताएंगे और कहाँ पर से कितना कितना नंबर का आता है उसका पूरा सा सोल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला में क्या हो गया, मैथ मैथ का एक चैप्टर पहला नंबर पहला में किस क्या रखेगा, चैप्टर नंबर ये त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप लोग याद, अगर कुछ नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा। त्रिकोणमिति से 40 नंबर अगर कन्फर्म है, वहाँ 40 से प्लस नंबर आता है त्रिकोणमिति से, वहाँ 40 नंबर कन्फर्म आता है। तो पहला चैप्टर क्या हुआ, देखिए आप लोग को हम बता देते हैं बढ़िया से। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 8। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति, पहला चैप्टर मेरा क्या हो गया त्रिकोणमिति, पहला चैप्टर मेरा त्रिकोणमिति हो गया। इस चैप्टर से मैक्सिमम 40, न्यूनतम कम से कम 40 नंबर का कन्फर्म है त्रिकोणमिति। अगर देखिए त्रिकोणमिति को अगर आप बेहतर से पढ़िएगा तो आप 15 दिन में ख़त्म कर लीजिएगा त्रिकोणमिति, क्या आप 15 दिन में ख़त्म करिए। अगर आप पूरा एकदम सोल्यूशन एकदम एक करके मतलब स्टेप बाय स्टेप हम पूरा बेस्टिंग से एकदम समझना है तो आपको 20 दिन लग जाएगा, आपको 20 दिन लग जाएगा। हम देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो त्रिकोणमिति का ऑल सॉल्यूशन हम हर मोस्ट विवेक क्वेश्चन हम वहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख लीजिएगा। पहला क्या हुआ मेरा त्रिकोणमिति हुआ, आप लोग देखिए हम आपको बोल रहे हैं 3 से 4 चैप्टर आप मैथ में पढ़ लीजिए, आपका मैथ में 100 में 100 आएगा। मैं हम अपने दावे के साथ बोलते हैं, पहला हो गया त्रिकोणमिति, फिर क्या हो गया क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति देखिए पहला हो गया त्रिकोणमिति, दूसरा हो गया क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से कम 20 नंबर का आता है क्षेत्रमिति से कम कितना नंबर का आता है 20 नंबर का। यहाँ से एकदम कन्फर्म आप लोग को इतना बताते हैं त्रिकोणमिति या क्षेत्रमिति आप पढ़ लीजिएगा ना तो आप 60 नंबर से प्लस 70 नंबर और 70 से 80 नंबर के कन्फर्म यही 2 चैप्टर से आता है। बस ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए और बाकी हम आप लोग को 2 चैप्टर का नाम और बताएंगे। उस 4 चैप्टर को आप पढ़ लिए हैं तो आपको 100 में 100 मैथ में कोई लाने में नहीं रोक सकता। हम अपने दावे के साथ बोलते हैं, इतना मैं आपको गारंटी देते हैं, 100 में 100 नहीं तो 99 आएगा, 90 आएगा, 90 प्लस आएगा अगर 4 चैप्टर आप लोग पढ़ लिए बेटर से पढ़ लिए तो। ठीक है तो यहाँ पे समझिए 2 चैप्टर तो यहाँ पे समझ गए। तो अब तीसरा चैप्टर में क्या है, देखिए 2 चैप्टर तो हो गया, अब तीसरा चैप्टर में देखिए क्या है। तो 2 चैप्टर हम पढ़ लिए, पहला त्रिकोणमिति वहाँ से 40 नंबर पर कन्फर्म है, दूसरा में है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं जैसे समझिए, त्रिकोणमिति तो आप लोग समझ गए होंगे ये चैप्टर नंबर 8 है साइंस रिकॉर्ड पढ़ने का। क्षेत्रमिति एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, यही सब क्षेत्रमिति में आता है। केम से आता है क्षेत्रमिति में, तो उसमें पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर से देखिए आप लोग कैसे कैसे आता है वो हम खुद बताएंगे, आप लोग पूरा एक करके बताएंगे। बस आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोग को पूरा मोस्ट ये क्वेश्चन को हम छाड़ कर भी लाते हैं और आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे दूसरा नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या हो गया क्षेत्रमिति। अब तीसरा नंबर चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 2 2 4 वाला रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर क्या है 3 2 4 वाला रैखिक समीकरण 2 4 देखिए यहाँ से है ना एकदम कन्फर्म है कि आपका 25 नंबर तो हर हाल में आएगा,
25 नंबर तो यहाँ पर से आप लोग को हर हाल में आएगा, इसमें कोई रोक ठोक नहीं। अब अगर आप पे अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप लोग चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाइए। आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा इतना तो आपके साथ बोलते हैं, 200 नंबर का रहता है ना, तो 200 नंबर में एकदम फिक्स है कि आप लोग 150 नंबर बनाकर दिखाइएगा। मेरे दावे के साथ हम तो इतना आप लोग को कम लेकर बता रहे हैं। अरे ट्रिकोनोमेट्री से 50 नंबर का सही आ जाता है, इससे तो 30 नंबर का सही आ जाता है, इससे तो 35 नंबर का सही आ जाता है, पर आप लोग को कम दे रहे हैं क्या? आप लोग कम, अगर आप लोग को 30 नंबर का आता है, अगर आप लोग को 40 नंबर बोल लें तो आप लोग क्या कहिएगा कि आप सर आप लोग झूठ बताए थे? बहुत सा बच्चा हम लोग को कमेंट किया था मेरे को कि सर जो मतलब हम 6 महीने नहीं पढ़े हैं तो कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। तो इस सिलेबस को देखिए मैं इसी प्रकार से कंप्लीट किया जा सकता है कि त्रिकोणमिति पर मैथ में देखिए कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैथ में 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है, और मैथ में 4 चैप्टर अब आगे सब कुछ बता देंगे, सब हर वीडियो बना देंगे, और साइंस में भी कैसे कैप्चर करना है यार सब कुछ में। यहाँ पे देखिए 3 लेक्चर का बात हो गया, त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, क्षेत्रमिति पढ़ लीजिए, और 2-4 वाला रेखीय समीकरण पढ़ लीजिए, तो कितना 40, 20, 60, 80, 85 नंबर कन्फर्म होंगे। अब चौथा नंबर है, चौथा नंबर में क्या पढ़ना है आप लोग, चौथा नंबर में देखिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? देखिए निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक देखिए यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ से 20 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से कितना नंबर कन्फर्म है? निर्देशांक ज्यामिति से 20 नंबर कन्फर्म है। और एक चैप्टर को हम और लेते हैं, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कम से कम 5 से 10 नंबर का यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी हम आप लोग को ले लेते हैं, ठीक है। पाँचवा में क्या है? एपी को ले लीजिएगा, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, समानता। एपी का याद रखिए, एपी के जो हम बोलते हैं क्या, समानता क्रम। अगर बोला क्या, देखिए एपी का मतलब क्या हुआ, ऐसे दिया रहेगा 1, 3, 5, 7, तो दसवा पद बताइए, ऐसा ही पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा, दसवा पद निकालना है। तो एपी बराबर फार्मूला आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पर बेसिक से समझा देंगे, और आप लोग को पूरा ट्रिक बाई ट्रिक बता देंगे को आप लोग को फार्मूला रटने का नहीं, त्रिकोणमिति से आप पूरा पूरा नंबर उठाइएगा आराम से। अगर आप त्रिकोणमिति मेरे से पढ़ लिए हैं तो आप त्रिकोणमिति से पूरा का पूरा नंबर उठा कर आइएगा, मैं अपने दावा के साथ बोलता हूँ, ठीक है। तो आप समझिए एपी आप लोगों को 5 चैप्टर, आप लोग अगर 5 चैप्टर नहीं हुआ तो आप 4 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, 4 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, तो यहाँ पर सब लोग कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए 20 नंबर का आता है, पर ये साइड रख लीजिए, ये छोड़ लीजिए। आप लोग यहाँ पर से 4 गो याद रखिए, यहाँ से 4 गो से क्या होगा मालूम है आप लोग को? 120 नंबर का प्लस लड़ जाएगा, 120 नंबर का प्लस बना कर आइएगा। अगर आप लोग ये 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं और 2023 वाला और 2024 वाला सेट मार कर देख लीजिएगा, आप लोग 120 नंबर से प्लस नहीं मार रही हैं तो फिर मेरा नाम बोलिएगा, ठीक है। बस आप लोग इतना 4 चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए, आपका 100 नंबर यहाँ पर से कन्फर्म हो जाएगा, अगर मैथ में बेहतर से बेहतर नंबर लाना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इतना 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, आप लोग को आप लोग आबाद हो जाएगा, जिंदाबाद हो जाएगा। बस आप लोग ये कुछ नहीं, आप लोग ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज तक लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बस आप लोग 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। 4 चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आप लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि आपको कम से कम 90 नंबर ला लीजिएगा, कम से कम 90 नंबर ला लीजिएगा। और ग्राफ कंट्रेक्शन तो हम आप लोग को सिखा ही देंगे, इतना बेहतर से सिखा देंगे कि आप लोग समझिए। बस आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, जितना 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उतना भाई लोग हम पे एक बार भरोसा कीजिए, आप लोग का भरोसा को स्वीकार करेंगे। अब मैथ में तो 99 प्लस करके दिखाएंगे, इस बार मेरा टारगेट है। अगर टारगेट को स्वीकार नहीं किया, अरे मंजिल में देखिए, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर कोशिश ना करो ये गलत बात है। अरे मंजिल मिले या ना मिले, क्या मंजिल मिलना सबको जरूरी है? अरे मंजिल मिलता जो रखे, मंजिल उसी को मिलता है जो मंजिल का करीब पहुँचने जाता है। अब आप लोग धीमे भी चलना है तो चलते रहिए, समझे हैं? बस इतना ही समझिए, और कुछ नहीं हमको बताना है। अगर मैथ में आप बेहतर से बेहतर नंबर ला जाते हैं, आप 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका 100 में 100 नंबर आएगा, हम गारंटी दिलाते हैं कि 100 में 100 आएगा। और अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग का समझिए, अगर आप लोग भरोसा नहीं करते, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा, हम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, चलिए अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बैंक आप पहले 4 चैप्टर खत्म कर लीजिएगा, 4 चैप्टर खत्म करने के बाद आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक से आप लोग कितना बनाते हैं। बस आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और सब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखिए इससे 5 नंबर का कन्फर्म आ जाता है, इससे एगो 5 नंबर, एगो इससे 5 नंबर, 2 गो इससे, एगो पाँच इससे 5 नंबर, 3 गो हो गया, और एगो क्षेत्रमिति से 2 गो आता है, तो 2, 1, 3, 1, 4 गो हो गया, एगो ग्राफ, एगो कंट्रेक्शन 6 हो गया, एगो समानता, एगो
को बारंबारता आ जाता है, वर्ग बहुलक आ जाता है, तो 6 हो गया। बस ऐसा ही आ जाता है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और एग्ज़ाम आने तक, एग्ज़ाम आने के बाद, एग्ज़ाम आने के करीब में हम लाइव क्लासेस में आप लोगों को बताएंगे। बस अभी एग्ज़ाम के कारण कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।